Okay, so reading 54, fixed income bond valuation, prices and yields. The very first topic is calculating the value of annual coupon bond. So, annual coupon bond. तो पहले आपने थोड़ा समझते हैं. See, I don't think यहाँ पे जो भी बैठे हैं आप लोग किसी ने बॉन्ड में इन्वेस्ट तो नहीं किया होगा कभी, राइट? मैंने भी नहीं किया मोस्टली. क्यों नहीं करते आपने? टिकट साइज बड़ी होती है. टिकट साइज बड़ी होती है, ओके. पर अभी तो आरबीआई ने कुछ किया है, टिकट साइज भी छोटा अलाउ कर रहे हैं. एनीवे, शायद आने वाले 5 साल में अपने चालू करेंगे. बट सी, दिस सब्जेक्ट इज कॉल्ड फिक्स्ड इनकम. तो फिक्स्ड इनकम में बॉन्ड में तो हमने इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है. क्या है वो? आप मेरे पेरेंट्स हैं. एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट? वी जस्ट लव फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एफडीज, एंड फॉर गुड रीजन, राइट? सो लेट अस से एफडी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, मेरे नाम पे है. तो बैंक का नाम, मेरा नाम, सपोज मैंने 1 लाख रुपए डाले हैं, तो वो लिखा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होगा से 7%. एंड सपोज दिस इज फॉर 3 इयर्स, कोई ऐसा 3 इयर्स या फिर डेट डेट ऑफ मैच्योरिटी ऐसा लिखा होगा, राइट? सो सपोज एट T0 I put rupees 1 lakh. मैंने 1 लाख बैंक को दे दिया, बैंक ने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया, बैंक ने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन? फिर आगे क्या होगा? देखो, जब एफडी रखते हैं अपने, तो उसमें आपको ऑप्शन देते हैं कि इंटरेस्ट आपको कैसे चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, सेमी एनुअली चाहिए, एनुअली चाहिए या क्यूमुलेटिव. मोस्ट ऑफ अस यूजुअली गो फॉर क्यूमुलेटिव. ये जो ब्याज होगा वो एफडी में जुड़ जाएगा और फिर ब्याज पे ब्याज मिलेगा, सो दैट एट मैच्योरिटी वी हैव सम साइजेबल अमाउंट. सपोज 1 लाख का 1,30,000-40,000 हो गया, व्हाटएवर, राइट? बट सपोज हमने टिक किया एनुअल, सपोज वी हैव टिक द ऑप्शन एनुअल, तो क्या होगा? T1, T2, T3. I'll get 7,000, 7,000, 7,000 और T3 आ गया, मतलब प्लस 1 lakh. Isn't it? यही होगा ना? ये मेरा कैश फ्लो होगा. एवरी से मेरे को क्या मिलेगा? हर साल 7,000 रुपए, लास्ट में 1 लाख रुपए वापस. Now, suppose 1 year has passed. 1 year has passed. मैंने 1 लाख रुपए डाले थे, 1 साल हो गया, 7,000 तो मिल गए. जैसे ही 7,000 मिले ना, उसके दूसरे दिन सपोज मुझे पैसे की जरूरत है, सपोज आई रिक्वायर मनी, राइट? सो एफडी में क्या करना पड़ता है? गो टू द बैंक, बैंक को बोलेगा प्री मैच्योर विड्रॉल करना है, एफडी तोड़नी है टाइम से पहले, तो कुछ पेनल्टी वेनल्टी लगेगा और वो पैसा वापस दे देगा. सो दैट इज हाउ एफडी फंक्शंस. बट व्हाट इफ सपोज ये एफडी है, उसको मान लो मैं बेच पाऊं, मुझे पैसे की जरूरत है, अनंत सर के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, ही इज एनीवेज लुकिंग फॉर अ इन्वेस्टमेंट, तो मैं उसको फोन करता हूँ, यार मेरे पास ये एफडी का सर्टिफिकेट है, 2 साल बाकी है, 60% ब्याज है, तो मेरे पास से ले लेना. सर्टिफिकेट में मेरा नाम काट के तेरा नाम चढ़ा देता हूँ, राइट? एसबीआई का सिक्का लगवा देता हूँ और ये तू मुझे पैसे दे दे, तू एफडी रख और हर साल और लास्ट में पैसा ले लेना. अगर ये फीचर अलाउ हो जाए एफडी में, देन इट विल बी नोन एज अ बॉन्ड.
then it will be known as the bond. अगर जो हमारा एफडी है उसको आप ट्रांसफरेबल बना दो, बाइंग एंड सेलिंग उसका पॉसिबल कर दो, अभी क्या होगा, एसबीआई सिक्का नहीं मारेगा। हम तो मिकिंग झा को जानते हैं, आपको पैसा चाहिए, एफडी तोड़वाओ, पेनल्टी भरो, आई कैन नॉट ट्रांसफर टू मनन शाह, दैट इज द फीचर ऑफ एफडी, दैट इज द लिमिटेशन। और अगर वो लिमिटेशन निकल जाए, एफडी अगर ट्रेडेबल बना दो, तो इट बिकम्स अ बॉन्ड। सो लेट अस अज्यूम दिस इज अ बॉन्ड, नाउ लेट अस अज्यूम दिस इज अ बॉन्ड एंड आई वॉन्ट टू सेल इट टू मनन। और जैसे स्टॉक का मार्केट होता है, बॉन्ड का भी मार्केट होता है। सपोज एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें एक सेगमेंट इक्विटी है, दूसरा स्टॉक सेगमेंट बॉन्ड का भी है, मतलब एक्सचेंज विल हेल्प यू, इट विल फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग, राइट। सपोज इंडिया में गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बड़े बड़े लोग ही इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि टिकट साइज हाई होता है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इवन 5,000, 6,000, 10,000 रुपए के भी होते हैं, उसका खरीद बेच करना है तो आप एनएससी बीएससी पे कर सकते हो, राइट। सो लेट अस अज्यूम कि अभी ये बॉन्ड मेरे को बेचने का है, और ये जो बॉन्ड है आई कैन राइट लाइक दिस, सो दिस बॉन्ड इज एसबीआई 1 lakh 2 years 7%, 3 साल का था, 1 साल तो चला गया। कंपनी एसबीआई है, जो जिसपे ब्याज हो रहा है वो 1 lakh rupees है। बॉन्ड की लैंग्वेज में इसको फेस वैल्यू या पार वैल्यू बोलते हैं, राइट। 2 years इज द मैच्योरिटी या टेन्योर ऑफ द बॉन्ड, 7% इज कॉल्ड कूपन रेट, इज कॉल्ड द कूपन रेट, और इसमें एन्युअल पैसा आ रहा है, तो एन्युअल, राइट। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बॉन्ड, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बॉन्ड। तो मैं और मनन डिस्कस कर रहे हैं कि चलो मेरे को ये बेचना है, मनन को ये खरीदना है। 1 lakh तो फेस वैल्यू है, 1 lakh तो मैंने दिया था, मतलब मेरा खरीदने का भाव 1 lakh था। आज की तारीख में मनन माइट पे मी हायर और लोअर देन 1 lakh, राइट। सो उसमें मेन फैक्टर क्या होगा, मेन फैक्टर ये होगा कि मैं और मनन डिस्कस कर रहे हैं, तो मनन बोल रहा है कि यार मैं तेरे से बॉन्ड तो ले लूंगी, एफडी तो ले लूं मैं, बट बोले मैं तो कल गया था मेरी बैंक में, मेरा खाता है IDFC बैंक में है, तो वो तो 2 साल के लिए 8% दे रहे, 8% पे तो मैंने रखा था, बट आज की तारीख में जो 2 साल वाली एफडी का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो तो मनन बोल रहा है 8% चल रहा है। सो आई विल टेल यू ओके, तो इसका वैल्यूएशन 8% के हिसाब से, राइट। तो ये जो 8% है, दिस 8% इज रिक्वायर्ड बाय द बायर, बाय मनन, राइट। सो दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड रेट, दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड रेट 8%। बॉन्ड की लैंग्वेज में इसको YTM भी बोलते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी, ओके। एंड नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो फाइनेंस में फाइनेंस में जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, स्कूल में पढ़ा होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+R/100 raised to n, दैट फॉर्मूला। अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू, प्रिंसिपल मतलब प्रेजेंट वैल्यू, बाकी का सेम। सो FP इज इक्वल टू PV 1+R/100 raised to n, R मतलब रेट, N मतलब नंबर ऑफ इयर्स या नंबर ऑफ पीरियड, और PV इज इक्वल टू FV अपॉन 1+R/100 raised to n, ऐसा भी लिख सकते हैं, इज़न्ट इट। अच्छा, तो नाउ अंडरस्टैंड कि ये जो बॉन्ड का भाव निकाला है मेरे को, बॉन्ड में अभी कितना टाइम बाकी है, 2 साल,
मुझे क्या भाव निकालना है आज का, तो मुझे पीवी निकालना है कि एफवी निकालना है? पीवी निकालना है ना। फाइनेंस में प्राइस भाव मतलब प्रेजेंट वैल्यू, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला तो मैंने लिखा, फ्यूचर वैल्यू और ये सब। तो अपने पास कितने कैश फ्लो आने वाले इसमें, मनन अगर अपना हिसाब लगाएगा, एक साल के बाद 7000 आएगा ना। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 7000, रेट कितना गिनने का 8%, तो 1.08 कितने साल बाद आएगा, एक साल बाद। तो ये 1.08:1, दो साल बाद फिर से 7000 आएगा, तो 1.08 square, राइट। और दो साल बाद 1 लाख रुपए भी आएगा, राइट। सो प्लस 1 लाख अपॉन 1.08:3, इजंट इट, सॉरी 2, तो ये तीनों इंडिविजुअल कैलकुलेशन करो और एड अप करो, तीनों का वैल्यू निकालो और एड अप करो। कैंसी का किसी को लिंक है तो मुझे बताओ, वो तो मैं ग्रुप में डालेंगे। कितना है? 9816 98216 All of you, take a look. आराम से करो, आंसर ले आओ। सबका आ रहा है 98000 ऑनलाइन आ रहा है? ऑनलाइन बोलो जाए आगे। कैलकुलेटर में तो अभी तो नॉर्मली करो आप, जैसे 7000 है, 7000 टाइप करो डिवाइडेड बाय 1.08, फिर 7000 डिवाइडेड बाय 1.08 x स्क्वायर और इज इक्वल टू, और उसी तरह से 1 लाख वाला। मेमोरी वाली बात है ना, मेमोरी मुझे नहीं आता, मैं यूज ही नहीं करता। ऐसे ही कर सकते हैं, मेमोरी की जरूरत ही नहीं। यू कैन डू द एंटायर थिंग कंटीन्यूअस। 7000 / 1.08 + 7000 / 1.08 x² +
plus 1 lakh divided by 1.08 x square is equal to फिर 1 by x वाला बटन दबाएंगे और इंटू दबाएंगे फिर 7000 टाइप करेंगे ना तो डायरेक्ट सेकंड ईयर का वैल्यू आएगा बार बार नहीं करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा यानी एक साल में दो बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा डायरेक्टली हो जाएगा ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा जो बोर्ड पे लिखा है वंस यू आर गुड विद कैलसी यू डोंट रिक्वायर फैंसी फंक्शन या कुछ भी जो छपा हुआ है यहाँ पे वही इसमें करते जाओगे सिर्फ कैलसी का मोड सही होना चाहिए जिसके पास हार्डवेयर है एप्लीकेशन में तो सही मोड ही होता है और हार्डवेयर में कैसे मोड सेट करना है वो मेरा यूट्यूब का वीडियो है मैं फिर से ग्रुप में डाल दूंगा वंस यू आर इन द करेक्ट मोड सब कुछ हो ही जाएगा अच्छा ये 98,000 समथिंग आया अच्छा अभी मुझे एक बात समझाओ के मनन मुझे बोलेगा क्या देख मैंने तो कैलकुलेशन किया 98,216 आ रहा है तो मुझे उस टाइम ऐसा हो कि मैंने अगर 1,00,000 दिया था एफडी का और अभी मुझे 98,000 समथिंग ही मिल रहा है तो why is this so ऐसा क्यों है मार्केट में ज्यादा है और जो बॉन्ड लिया था उसकी वैल्यू मार्केट में रेट बढ़ गया है सी द फैक्ट इज मैंने जो एफडी में पैसा लॉक किया है वो 7% पे है और मार्केट में आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं 8% हो गए सो रिलेटिवली स्पीकिंग माय एफडी माय बॉन्ड इज नॉट सो अट्रैक्टिव तो जो फेस वैल्यू 1,00,000 उससे कम में बेचना पड़ेगा राइट सो 98,216 इज द फेयर वैल्यू मैं मनन को उतना पैसा दूंगा सॉरी मनन मेरे को उतना पैसा देगा मैं मनन को सर्टिफिकेट दे दूंगा और फिर आगे का ब्याज और प्रिंसिपल उसको मिलेगा दिस इज हाउ अ बॉन्ड फंक्शन एंड दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड यहां तक समझ में आया अच्छा अभी यहां तो सिर्फ 2 साल की मैच्योरिटी बाकी थी तो हमने मैन्युअली करा बट सपोज 7 साल का मैच्योरिटी बाकी है सपोज द मैच्योरिटी इज फॉर 7 इयर्स देन ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू इट मैन्युअली अपने नहीं कर सकते बहुत टाइम जाएगा तो जो अपना फाइनेंशियल कैलकुलेटर है जो हमारा फाइनेंशियल कैलकुलेटर है उसमें थर्ड रो में जो फंक्शंस है एन आई वाई पीवी पीएमटी एफपी एन आई वाई पीवी पीएमटी और एफपी इसका हम यूज कर सकते हैं तो कैसे करेंगे इसी एग्जांपल में ये 98,216 हमको आंसर लाना है ब्रा तो जो एन लिखा है ना एन मतलब कितनी बार ब्याज आएगा कितनी बार आएगा दो बार तो कैलसी में 2 टाइप करो और फिर एन दबाओ पहले 2 टाइप करो एंड देन यू प्रेस एन समझ में आया फिर आई वाई मतलब रेट तो अभी मार्केट में रेट क्या चल रहा है 8 तो 8 प्रेस करो और फिर आई वाई 8 और फिर आई वाई बराबर पीवी तो ढूंढने का है प्रेजेंट वैल्यू तो उसको छोड़ो पीएमटी मतलब जो पीरियोडिक ब्याज आ रहा है कितना ब्याज आ रहा है 7000 सो टाइप 7000 प्रेस पीएमटी बराबर और एफपी मतलब फ्यूचर वैल्यू लास्ट में कितना मिलेगा 1,00,000 सो टाइप 1,00,000 एंड प्रेस एफपी और फिर जो चीज हमें ढूंढना है पीवी उसके पहले ऊपर पीएमटी लिखा होगा सो प्रेस पीएमटी
सॉरी सीपीटी एंड पीवी, सीपीटी मतलब कंप्यूट, प्रेस सीपीटी एंड पीवी, तो ये फिगर आ जाएगा। लेकिन माइनस में दिखाएगा, माइनस वो उसका खुद का ऐसा सिस्टम है, मतलब उतना आपको पे करना पड़ेगा, ऊपर सीपीटी दबा और पी है ना, इग्नोर द नेगेटिव साइन, बाकी आंसर आ जाएगा 98216। समझ में आया बराबर? फिर मैंने अभी बोला था कि अगर ये बॉन्ड 7 साल का हो तो, है ना, आई सेड व्हाट इफ दिस इज अ 7 ईयर बॉन्ड, सो नाउ यू कैन जस्ट टाइप 7, प्रेस एंड, 7 डालो और एंड डालो, बाकी सब डेटा वैसा ही रहेगा, और फिर सीपीटी टीवी। कितना हो गया? 94,793, right? अच्छा, so again logic is same, आपका जो पेपर है बॉन्ड उसमें ब्याज 60% मिल रहा है, मार्केट में भी 8% चल रहा है, so bond is not so attractive, तो भाव आया 1,00,000 से कम, price is less than face value. Now let us try reverse, कि suppose अभी market में rate सिर्फ 6% चल रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपका paper 7% वाला है, market में rate घट गए, so now your paper is very attractive, तो जस्ट बाय लॉजिक अभी जो आंसर आएगा वो 1,00,000 से ऊपर आएगा, लेकिन ढूंढो 7 years के सब करो आराम से, बाकी सब ऐसे का ऐसा, सिर्फ आई वाज 8 डाला उसके बदले 6 करके आई वाज और फिर सीपीटी 3। कितना आया? 1,055,882। So as predicted, 1,00,000 से ऊपर भाव है, है ना? 1,05,000 something. And if the market rate is exactly same as coupon, 7% तो करके देखो, exact 1,00,000 आ जाएगा. Right. All of you are getting this? हाँ, कैंसी पे आ रहा है? ऑनलाइन ठीक है? ओके, सो मैंने जो समझाया ना वो फर्स्ट 2 पेजेस है, कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ एन एनुअल कूपन बॉन्ड, अच्छा फिर 54B पे आ जाओ, 54B कम टू 54B, उसमें रिलेशनशिप्स लिखे हैं,
देखो उसमें कुछ कुछ जो रिलेशनशिप है वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ही है, इसके ऊपर से हमको पता चला सी जितना YTM कम होगा उतना भाव ज्यादा होगा और जितना YTM बढ़ जाएगा उतना भाव कम हो जाएगा, so that's a inverse relationship between the yield and the price, ठीक है। फिर सेकंड वाला price of bond with a lower coupon rate, ये याद रखना है, is more sensitive, और थर्ड में longer maturity is more sensitive, मतलब ये तो आपको पता चल गया कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं तो बॉन्ड का भाव चेंज होता है, अब सवाल ये है कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा सेंसिटिव होगा, तो अगर दो बॉन्ड में से दोनों बॉन्ड सिमिलर है, एक का कूपन रेट 7% है और दूसरे का 12% है, तो जो कम कूपन वाला बॉन्ड है उसके भाव में ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगा, ठीक है, जो कम कूपन वाला बॉन्ड है उसके बॉन्ड में ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगा। सिमिलरली दो बॉन्ड्स है, कूपन दोनों 7-7% है, एक 8 साल का बॉन्ड है एक 14 साल का बॉन्ड है, तो 14 साल वाले बॉन्ड में ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगा, सो जस्ट रिमेम्बर कूपन विद सॉरी बॉन्ड विद लोअर कूपन और हायर मैच्योरिटी विल बी मोर सेंसिटिव टू चेंजेस इन इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, और जो फोर्थ है वो काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, देखो फिगर ड्रॉ किया है 54.1 मार्केट यील्ड एंड प्राइस बॉन्ड वैल्यू, वो जो कर्व है ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो ऐसा कर्वेचर है, राइट, उसके कारण क्या होता है, लेट मी पुट इट दिस वे, इस टाइप का रिलेशनशिप है, तो सपोज अभी हम यहां पे हैं, से 10% और रेट 10 का 11 हो गया तो भाव डिक्रीज हो गया, प्राइस हैज डिक्रीज, राइट, से इट हैज डिक्रीज बाय 5 rupees, बॉन्ड का भाव 5 rupees कम हो गया। नाउ व्हाट इफ रेट डिक्रीज बाय 1%, 10 का 9% हो गया, राइट, तो भाव बढ़ जाएगा, राइट, भाव बढ़ जाएगा, बट इफ यू सी जो इंक्रीज है वो डिक्रीज से ज्यादा होगा, राइट, सो ऐसा लिख सकते हो फॉर अ गिवन चेंज इन रेट प्राइस इंक्रीज इज ऑलवेज मोर देन प्राइस डिक्रीज, ये बॉन्ड का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। सी इन जनरल अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्टर हो तो रेट बढ़ता है तो नुकसान होगा, रेट घटता है तो फायदा होगा, राइट, क्योंकि रेट बढ़ेगा तो भाव घट जाएगा, रेट घटेगा तो भाव बढ़ जाएगा,
बट द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड इज कि अगर सिमिलर मूवमेंट है 1% भाव बढ़ अरे 1% रेट बढ़ रहा है वर्सेस 1% रेट घट रहा है तो जो आपका फायदा होगा ना वो नुकसान से हमेशा ज्यादा होगा और ये जो प्रॉपर्टी है ये जो शेप है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्सिटी दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉन्वेक्सिटी वो आगे के चैप्टर में डिटेल में आएगा बट फॉर नाउ यू शुड रिमेम्बर दिस एज अ प्रॉपर्टी ठीक है ऑनलाइन फाइन सबको समझ में आया यस सर क्लासरूम ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल यस सर अच्छा फिर है ना ये जो हमने अभी नहीं किया था कि भाव 1 लाख से कम आया था या 1 लाख से ज्यादा आया था 1 लाख से कम है तो बी से इट्स इट इज एट अ डिस्काउंट ज्यादा है तो प्रीमियम राइट 1 लाख तो मैंने एग्जांपल लिया था बाकी जनरली बॉन्ड का फेस वैल्यू 100 या 1000 होता है तो 100 या 1000 जो है फेस वैल्यू अभी का भाव से ऊपर या नीचे होगा दैट इज प्रीमियम और डिस्काउंट बट जैसे जैसे टाइम इलेप्स होता जाएगा तब वो अभी 2 साल बाद की है 1.5 साल 1 साल 6 महीना तो जब लास्ट दिन आएगा तो प्रीमियम या डिस्काउंट एकदम कम हो जाएगा और लास्ट के दिन तो बॉन्ड का भाव इट विल बी इक्वल टू फेस Why? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+r^n तो लास्ट दिन जब आएगा तो n तो 0 हो जाएगा एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 तो fv इज इक्वल टू pv या pv इज इक्वल टू fv राइट तो लास्ट दिन बॉन्ड का भाव और उसका फेस वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो वो चीज आपको फिगर 54.3 में बताइए कि पहले भाव ऊपर या नीचे है लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगा वैसे वैसे कन्वर्ज हो जाएगा फेस वैल्यू पे जैसी फिगर दिखाई है ना ऐसी बोल ओके यहां तक फाइन ठीक है नाउ वी हैव स्टार्टेड बॉन्ड वी हैव स्टार्टेड विद एनुअल बॉन्ड बट मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं सेमी एनुअल इनफैक्ट जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं ना वो सेमी एनुअल कूपन देते हैं मतलब साल में 2 बार ब्याज देंगे तो अगर उसका हमको वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे लेट अस सी Let us take an example. Suppose rupees 1000, 8%, 7 year, aisa bond hai, required rate 10%. So pehle to annual maan ke iska bhav nikal do. Suppose this is annual bond, find out the price. Yeah.
तो ऐसा होगा 1000 का 8% 80 TMT 1000 FP 7N 10 IY करेक्ट टीवी फाइंड करो 902.63 ठीक है ना All of you getting this? अच्छा Now, what if this bond was ये तो हमने annual के किए लिया क्या? Now, what if this is semi-annual? अगर ये semi-annual bond है, मतलब साल में दो बार ब्याज मिलेगा, तो जो PMT 80 है ना, वो भी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा. You are going to get 40, but not 7 times, 14 times. 7 बार नहीं, 14 बार मिलेगा, right? FE तो वही रहेगा 1000. हाँ, जो required rate 10% था, वो 10% is for full year, और 6 months it is 5%. तो यहाँ पे 5. और फिर आप निकालो, थोड़ा फर्क पड़ जाएगा. प्रैक्टिकली बहुत सारे बॉन्ड्स सेमी एनुअल ही रहते हैं ठीक है तो बेसिकली सेमी एनुअल हो तो जितने भी रेट दिखे ना कूपन रेट या रिक्वायर्ड रेट उसको हाफ कर दो और जो पीरियड है उसको मल्टीप्लाई बाय टू कर दो ठीक है Online fine. Online. समझ आ रहा है ना सबको? Yes sir. Okay. Now see, अब तक हम क्या कर रहे थे? Suppose rupees 100, 10%, 12 year annual bond. Rupees 100, 10%, 12 year annual bond. और required rate market में 9% चल रहा है भाई, TM 9. इसका price निकाल सकते हैं? निकालो. What is the answer? 107.1 ठीक है तो
ये तो हम करते आ रहे हैं अभी, तो सबको आ गया. नाउ वी कैन ऑल्सो डू द रिवर्स. वी कैन ऑल्सो डू द रिवर्स, मतलब मान लो हमें प्राइस दिया है 107.6 और उसके ऊपर से YTM ढूंढने का है. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अब तक रेट देते थे, प्राइस हम ढूंढते थे, अभी उल्टा प्राइस दिया है और रेट ढूंढना है. सो ऑन आवर कैलकुलेटर व्हेनेवर वी वांट टू फाइंड द रेट, रेट मतलब I by, तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट साइन. तो आपको क्या सोचने का कि ये जो बॉन्ड का ट्रांजेक्शन है उसमें 107.16 वो प्राइस एज एन इन्वेस्टर मैं पे करूंगा. सो 107.16 और नीचे नेगेटिव का बटन होगा, नीचे वाला नेगेटिव का बटन 107.16, फिर प्लस माइनस का बटन, तो डिस्प्ले माइनस 107.16 आएगा वो, और उसको डालोगे पीवी, उसके बाद करो पीवी, राइट. 100 इज एफवी, 10 इज पीएमटी, 12 इज एंड कंप्यूट आई वन, यू विल गेट 9%. सॉरी मैं, तो ये उल्टा भी हमको ढूंढना आना चाहिए भाव में से YTM. ओके, एंड नाउ यू ट्राई, सपोज प्राइस 90 है तो YTM कितना? माइनस की इधर करवा 107.16 पहला लॉक, अच्छी नीचे जो बटन जो प्लस माइनस लास्ट शो में 0 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
बट सेमी एनुअल बॉन्ड में ट्राई करते हैं. Suppose this is the data. Okay, 1,000 rupees, 6%, 7 year, semi-annual bond. Or abhi price hai 1031. So find YTM. And
ના પીએમ કે એટલે જે દર વખતે તને યાદ હોય ને 1000 ના 6% એટલે 60 પ્રાઇસ કે પીડી મશીન પર નેગેટિવ સાઇન કરો See, इसमें obviously 1000 तो फेस वैल्यू फ्यूचर वैल्यू माइनस 1031 पीवी राइट 1000 का 6% 60 लेकिन सेम ही एनुअल है सो 30 पीएमटी 7 साल मतलब 14 बार मिलेगा सो 14 इज एन आप आई वाई ढूंढो कितना आएगा 2.73 अच्छा ये जो 2.73 आया वो 6 महीने के लिए आया because all these numbers are for cycle of 6 months लेकिन normally YTM हम express करते हैं पूरे साल के लिए so you have to multiply by 2 correct so your YTM is 5.46% है ना and see anyway it should make sense coupon 6% है और भाव 1000 से ज्यादा है तो 6% से थोड़ा कम आएगा तो 2.73 आए तो वो तो 6% बहुत ज्यादा कम हो गया सो इवन इट विल नॉट जेल लॉजिकली इतना ज्यादा फर्क कैसे 6 के आजू बाजू आना चाहिए तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि हमने हर एक साइकिल 6-6 महीने का गिना ठीक है सो विद दिस नाउ यू गो टू द क्विज Yes. वो जो 2.73 है ना इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा अच्छा क्विज में 1-4 करो मुझे मेरे नंबर पे फाइल भेजो मैं पिक्चर सेंड कर दूँ
I love that.
First, 20-year bond. अब मेरी बात समझो, इसमें तुम लोग बोलेंगे सर फेस वैल्यू तो लिखा नहीं है, बट ऑप्शन देखने के 60s में है 80s में है, so it is to be understood के फेस वैल्यू 100 लेने का, right? So 100 FP, 10 PMT, 20N, right? 59Y, compute PV. 68.7. How much? 68.7. Okay, option B. किसी को भी doubt है first में? Online या offline? Online. First answer is B. Okay. फिर 5-year 10% सेमी एनुअल बॉन्ड फेस वैल्यू 1000 YTM 15% तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड सो 1000 आपका एफबी
1000 का 10% 100 लेकिन 50 50 PMT 5 ईयर है तो 10 एंड 15% है तो 7.5 IY एंड देन कंप्यूट PV एंड सी बॉन्ड का फेस वैल्यू 1000 है कूपन 10% है कूपन 10% है अभी का रेट 10 से ज्यादा है 15% है तो आंसर 1000 से कम ही आना चाहिए ऐसा एक ही ऑप्शन है सो इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर यू कैन इजीली अराइव एट द ऑप्शन बाय फॉलोइंग द लॉजिक ठीक है अच्छा फिर थर्ड 20 ईयर 8% सेमी एनुअल YTM 8% तो 8% मतलब अभी तो भाव सेम ही होगा 1000 ही होगा 1000 या 100 जो भी ना हो कूपन भी 8 है रिक्वायर्ड रेट भी 8 है और सडनली रेट घट गया 7.5 तो रेट घटेगा तो भाव बढ़ेगा दैट्स इट ऑप्शन ए ठीक है ना ओके देन फोर्थ सो फोर्थ में क्या है 1000 पर 5% कूपन 20 ईयर एनुअल YTM 6.5% तो पहले आप क्या करोगे ये बॉन्ड का वैल्यू निकाल दो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड सी अभी वाला जो बॉन्ड है कितना प्राइस आया 834.7 डबल ओके ये आएगा ना FP 1000 50 PMT 20N IY 6.5 कैलकुलेट PV और फिर क्या लिखा है इंक्रीज ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स मतलब 3 साल चले गए 3 साल पास हो गए तो अभी ये जो बॉन्ड है $1000 5% 17 ईयर एनुअल और रेट तो वही 6.5% सो बेसिकली आपने जो अभी एंटर किया था उसमें सिर्फ एन चेंज कर दो एन जो 20 डाला था ना उसके बदले 70 डाल दो 17 डाल दो एंड फाइंड पीवी हाउ मच 848.34 तो बस इसका और इसका डिफरेंस इसका और इसका डिफरेंस 13.62 पहले 20 साल वाले बॉन्ड का भाव निकालो फिर 17 साल वाले बॉन्ड का भाव निकालो दोनों का डिफरेंस दैट्स इट अंडरस्टूड किसी को डाउट नहीं है ना ओरिजिनल 20 वर्ष अबे टाइम पास था है तो मैच्योरिटी तो अच्छी था ना अच्छा देन गो टू एलओएस 54C मैट्रिक्स प्राइसिंग
सी ये मैट्रिक्स प्राइसिंग क्या है, अगर बॉन्ड का भाव निकालना है आपको तो YTM चाहिए, राइट। जिस बॉन्ड का बहुत ट्रेडिंग होता है उसका प्राइस एकदम फ्रेश होगा, राइट, और प्राइस है तो YTM मिल जाएगा, या वाइस वर्सा YTM है तो प्राइस मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ बॉन्ड्स होते हैं जिसका ट्रेडिंग उतना नहीं है और आपको उसका भाव निकालना है, तो भाव निकालने के लिए YTM चाहिए, बट वो बॉन्ड का YTM तो नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रेडिंग नहीं है, तो आप दूसरे कोई बॉन्ड का YTM यूज कर लोगे और उसके हिसाब से इसका भाव निकालोगे, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स प्राइसिंग। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई गवर्नमेंट बॉन्ड था, उसको कुछ साल हो गए अभी और उसका अभी मैच्योरिटी बचा है 12 साल, उसका मैच्योरिटी कितना बचा है 12 इयर्स। सो आई वांट टू फाइंड प्राइस ऑफ 12 ईयर बॉन्ड, तो मुझे रेट चाहिए, तो रेट तो मार्केट में है ना, 10 साल वाला बॉन्ड है और 15 साल वाला बॉन्ड है, वो बहुत ट्रेड हो रहा है, मतलब आई हैव गॉट रेट फॉर 10 ईयर एंड 15 ईयर, तो वो इंफॉर्मेशन कंबाइन करके 10 साल वाला और 15 साल वाला, उसमें से 12 साल का हमको निकालना पड़ेगा, वो एप्रोक्सीमेशन आता है ना कि 10 साल और 15 साल में इतना, तो 12 साल में कितना हो जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स प्राइसिंग। तो उसका एग्जांपल है वो देखते हैं, so I'm going to the example pricing an illiquid bond prop helps CFA estimating value of a non-traded 4% annual pay A plus rated bond that has 3 years remaining until maturity, मतलब हमें जो bond निकालना है let us say 1000 उसका face value है, 4% annual है, रेटिंग ए प्लस है, बराबर, और टाइम कितना बाकी है 3 इयर्स, उसका भाव निकालना है। He has obtained the following yields to maturity on similar corporate bonds, और तीनों बॉन्ड ए प्लस वाले ही हैं, तो बेसिकली 2 साल वाला जो बॉन्ड है उसका YTM है 4.3% और 5 साल वाले 2 दिए, तो आप एवरेज ले लो, 5 साल वाले 2 दिए तो 5.1 और 5.3 का एवरेज ले लो, तो 5.2%, ओके। तो अपने पास 2 साल का है, 5 साल का है, हमें किसका चाहिए 3 साल का, सो व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट मेथड वी फॉलो, ये 2 साल 5 साल फर्क कितना पड़ा 3 इयर्स, यहाँ पे कितना फर्क पड़ा 0.9%, हमें 2 साल से कहाँ पहुंचना है 3 साल पहुंचना है ना, मतलब हमें डिफरेंस कितना चाहिए 1 ईयर, सो 3 साल में 0.9, तो 1 ईयर में कितना, so 1 × 0.9% by 3, 0.3%, isn't it? तो ये जो 0.3% आया, वो ये जो YTM है, उसमें add हो जाएगा. So for this bond YTM should be 4.6%. फिर उसके ऊपर से आप कैसी से find कर सकते. बट ये 4.6 कैसे है वो समझो, डाउट है तो पूछो। हमने क्या किया, डिफरेंस सालों में कितना डिफरेंस 3 साल, YTM में कितना डिफरेंस 0.9%,
और हमें चाहिए 3 ईयर वाला, तो जो लोअर वैल्यू है ना 2 ईयर का, उससे 3 ईयर कितना दूर है? 1 साल। तो फिर सिंपल प्रोपोर्शन, कि 3 साल में 0.9 ऐड करने का, तो 1 ईयर में कितना ऐड करने का? 0.3। 0.3 किसमें ऐड करने का? 2 साल वाले में। 4.3 जो है उसमें 0.3 ऐड कर दो, तो 4.6। ओके, तो कर लो पूरा, फिर प्राइस फाइंड कर लो। Got it, everyone? जाए आगे। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल, देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल है ना, एस्टिमेटिंग द स्प्रेड और न्यू 6 ईयर ए रेटेड बॉन्ड इश्यू। तो एक होता है YTM, सपोज कोई बॉन्ड का YTM आया 8%, तो उसको जब आप कंपेयर करते हो विद अ सुपीरियर बॉन्ड, सुपीरियर मतलब सेफर बॉन्ड, सपोज रिलायंस का बॉन्ड है उसका YTM है 8%, 10 साल का बॉन्ड है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बॉन्ड है उसका YTM है 7%, because government of India is less risky, so people demand only 7%. Reliance is more risky, people demand 8%. तो वो जो फर्क होता है ना YTM का, अपना YTM versus superior का YTM, and 1% difference is known as spread. तो हमें information कभी-कभी YTM के हिसाब से दे सकते हैं, या कभी-कभी spread के हिसाब से भी दे सकते हैं. So look at the data of the next example. Consider the following market yields. Four-year U.S. Treasury bond, 1.48%. Five-year A-rated corporate bond, YTM 2.64%. Or six-year
2.15% US bond, treasury bond. Treasury मतलब government bond. हमें 6 साल वाले A-rated bond का चाहिए. So, see, the basic logic is like this. हमारे पास A rating वाला 5 year वाला bond, इसका YTM है 2.64%. बराबर. तो इसको अगर कंपेयर करना है ट्रेजरी बॉन्ड से, तो ट्रेजरी बॉन्ड भी 5 year वाला चाहिए. ट्रेजरी बॉन्ड भी 5 year वाला चाहिए, लेकिन हमें जो दिया है वो 4 year और 6 year दिया है. हमें जो दिया है वो 4 year और 6 year दिया है. तो ट्रेजरी बॉन्ड में